माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। आज हम आपके लेकर आए हैं समर स्पेशल में एक ऐसा फेस मिस्ट जिसको लगाकर आप खुश होने वाले हैं। जी हाँ, गर्मियों में हमें अक्सर बाहर निकलना पड़ता है, हमें बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और फिर ऐसा लगता है कि ऐसे में कहीं ऐसी कुछ जगह मिल जाए जहाँ छपाक छपाक मुंह को धो लिया जाए और तरोताजा हो जाया जाए, पर हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समर स्पेशल ये फेस मिस्ट। बनाने में है बेहद आसान और ये इतना रिफ्रेशिंग काम करने वाला है कि आप बाजार से कभी भी महंगे महंगे फेस मिस्ट खरीद के नहीं लाएंगे। जी हाँ, आपको पता है बाजार में ये फेस मिस्ट कितने महंगे मिलते हैं और घर में हम आपको बताएंगे इसे बनाना बहुत ही सस्ते में घर की चीजों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेड रिफ्रेशिंग फेस मिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने लिए हैं एक कटोरी चावल। जी हाँ, वही नॉर्मल चावल जो हम डेली में यूज में लेते हैं वही आपको लेने हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें डालना है उबलता हुआ पानी। तो एक कप उबलता हुआ पानी मैंने इसमें डाला है। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि राइस वाटर जो होता है वो हमारी स्किन के लिए कितना रिफ्रेशिंग होता है, कितना फायदेमंद होता है, ये हमारी स्किन को ब्राइट एंड टाइट बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए इसको ढककर हमें रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। बॉइल्ड वाटर में राइस रखने से सारे न्यूट्रिएंट्स जो राइस के हैं वो इसमें आ जाएंगे। और एक और काम हमें करना है, यहाँ हमने फिर से एक छोटा बोल लिया है, उसमें डाली है हमने सूखी गुलाब की पत्तियाँ। आपके पास फ्रेश पत्तियाँ हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी हमने थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर डाला है। सो गुलाब की पत्तियाँ भी आपको पता है कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है, कितना स्ट्रॉन्ग इसमें अरोमा होता है और इसमें भी स्किन और ब्यूटी के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। तो इसलिए हमने इस DIY में चावल का पानी और ये गुलाब की पत्तियों का पानी लिया है। अब दोनों को आपको ढककर आधे घंटे के लिए रख लेना है। और आप देखिए, आधा घंटा हो चुका है तो कलर इसमें आप गुलाब की पत्तियों का देखिए, कलर तो आया है, जो आया है इसमें जो स्मेल आ रही है वो इतनी रिफ्रेशिंग है कि ये आपके चेहरे की चमक को बढ़ाने वाली है। साथ ही साथ आपको सेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना खुशबूदार ये हमारा मिस्ट बनने वाला है। लगभग आधा घंटा हमें हो चुका है और आप देखिए, यहाँ हमने ये जो राइस वाटर है इसे एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है और कलर आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितनी व्हाइटनेस यानी जो न्यूट्रिएंट्स चावल के हैं वो इसमें आ गए हैं। तो चावल को आप बना लीजिए, जैसे भी आप बनाते हैं उसे यूज़ कर लीजिए और हमें चाहिए सिर्फ ये पानी। तो देखिए, इस तरह हमारे को बिल्कुल क्लियर वाटर राइस का न्यूट्रिएंट्स वाला मिल गया है। और इसी तरह हमें गुलाब की पत्तियों वाले पानी को भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो क्योंकि हमने बॉइलिंग वाटर में डाला है तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो अपनी न्यूट्रिएंट्स, खुशबू, अरोमा रिलीज करेंगे बहुत ही जल्दी हो गया है। तो देखिए, अब ये हमें इतना रिफ्रेशिंग और मैजिकल वाटर यहाँ पर मिल गया है जो आपको देगा गर्मियों से राहत, साथ ही अपनी स्किन को ब्राइट बनाएगा और सन की रेस से भी बचाएगा। अब इस मैजिकल मिस्टिक वाटर में हम डालने वाले हैं गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल आपको पता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितना इसका इस्तेमाल होता है। सो ये गुलाब जल हमारे इस राइस और गुलाब की पत्तियों वाले पानी को फ्रेग्रेंस तो प्रोवाइड करेगा, साथ ही इसे एकदम रिफ्रेशिंग भी बनाएगा। अब यहाँ मैं ले रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल्स, बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ते में मिलती हैं। तो ये डालने से क्या होगा, आपको पता है विटामिन ई में कितने ज़्यादा क्वालिटीज होती है, वो हमारे स्किन को शाइनिंग बनाती है, स्किन को हाइड्रेट करती है और स्किन को टोन करने में बहुत मदद करती है। तो ये ज़रूर से डालना है। तो दो यहाँ पर कैप्सूल मैंने विटामिन ई की डाली है, अच्छा सा इसको मिक्स देना है और ये हमारा मैजिकल वाटर तैयार है। अब इस पानी को हमें एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है। तो आपके पास कोई भी छोटी स्प्रे बॉटल हो उसे आप भर सकते हैं और अपने पर्स में रख सकते हैं। जब भी आपको थकान महसूस हो, कुछ भी बेचैनी हो, कहीं भी आप सफर कर रहे हो तो उस सफर के दौरान आप इसे अपनी पर्स से निकाल कर उसी वक्त तुरंत रिफ्रेशिंग महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने ये स्प्रे बॉटल को भर लिया है। अब बात आती है इसे स्टोर करने की, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आप बाहर जाएं तो जरूर से इसे अपने पर्स में डाल लीजिए और जब भी चाहे अपने स्किन को एकदम रिफ्रेशिंग महसूस कराते रहिए। सो फ्रेंड्स, हमें तो ये जो हमारा स्प्रे DIY हमने यहाँ तैयार किया है घर की चीजों से बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। बाहर से जो हम केमिकल्स वाला फेस मिस्ट लेकर आते हैं उससे हम बच सकते हैं। तो जरूर से ये DIY ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। सो देखा ना आपने कितना कमाल का ये हमारा फेस मिस्ट बनकर तैयार हो गया है। और मैं आपको स्प्रे करके बताती हूँ, ये देखिए कितना रिफ्रेशिंग ये लग रहा है। तो कहीं भी आपको जाना है इस तरह आप स्प्रे करिए और आपको बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग ये लगने वाला है।
सो होप आपको ये आज का DIY पसंद आया होगा और ऐसे ही फिर एक नई चीज के साथ मिलेंगे तड़का विद स्टाइल पर. टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, याद रखिएगा लाइफ इज ब्यूटिफुल. बाय बाय.